अब डेफिनेशन है 2.7, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। सबसे ज़रूरी डेफिनेशन है हमारे पास, यानी ये सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट टू ए रियल नंबर एल, यानी किसी सीक्वेंस एन को कह रहे हैं कि वो एल पर कन्वर्ज कर रही है। कब कहेंगे? इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी ये आपको दे रखा हो कितना भी स्मॉल हो चाहे तो, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी। तो इसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव एम जो कि एक इंटीजर है, ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। सच दैट कि जो सीक्वेंस है हमारे पास ए एन, उसकी जो टर्म्स है उसका डिफरेंस और एल का डिफरेंस हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। कौन सी टर्म्स का डिफरेंस? वो टर्म्स जो एम के बाद आती हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम या एम के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उनका एल का डिफरेंस आप देखोगे तो एल एप्सिलॉन से कम मिलेगा आपको। तो तब हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है वो लास्ट में कन्वर्ज हो रही है एल पे, मीन्स उसकी जो टर्म्स है वो आखिर में एल ही बन जाएंगी। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल के देखते हैं। हमने एक सीक्वेंस ले ली है, लेट ए एन, अगर हमने सपोज 1/n ले लिया, तो अगर सीक्वेंस ए एन देखेंगे तो क्या बनेगा? हम एन को 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास बनी है इसमें अगर हम इसको लाइन पे ड्रॉ करना चाहें तो सपोज ये 0 है, ये 1 है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 1 आई, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 1/2, फिर आगे हमारे पास 1/3 आपको यहाँ मिल जाएगा, 1/4 आपको यहाँ मिल जाएगा, 1/5 आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखिए जो टर्म्स है हमारे पास सीक्वेंस की वो कम होते होते, देखिए यहाँ पे लग रहा है कि होते होते वो 0 तक आएंगी। तो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है, और कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है? वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो जो एल होता है, जो 0 है यहाँ पे आया है, उसको हम लिमिट बोलते हैं। हियर एल इक्वल टू 0 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन सी है? 1/n। अब करते हैं डेफिनेशन 2.9, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये रहेगा सीधा सा कि जिसकी टर्म्स हमारे पास क्या होती है, न्यूमेरिकली लार्ज होती होती है, हमें लगे कि इन्फिनिटी तक बनने जा रही हैं, वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, ए सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो पहले प्लस इन्फिनिटी करते हैं, इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के हमारे पास कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये चाहे 100 लो इसको, या 1000 लो, या फिर 1 लाख लो, या 1 बिलियन ट्रिलियन कुछ भी लो, तो उससे भी बड़ी हमारे पास टर्म्स होंगी। तो इसको लिख देते हैं, हाउ एवर लार्ज इट मे बी। तो इसके लिए क्या होगी, कोई ना कोई टर्म मिलेगी। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, हमने लिया एम, डिपेंडिंग ऑन, ये के पे डिपेंड कर रहा है सारा का सारा, सच दैट कि ए एन इज ग्रेटर देन के, इस के से भी बड़ी हमारे पास टर्म मिलेंगी, और एक दो टर्म नहीं मिलेंगी, हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, कि एम या एम के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी सारे सारी के से बड़ी मिलेंगी। तो तब हम क्या कहेंगे, जो सिक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सिक्वेंस है, एंड डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी लिखकर बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सीक्वेंस ए एन
इज सेट टू डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ टू ईच नेगेटिव नंबर। हमने इसको स्मॉल के ले लिया, यानी कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर ले लें, इसको कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव में -100 -1000 -1 लाख या -1 बिलियन जो भी लेना चाहें। तो ये क्या है, हाउ एवर स्मॉल इट मे बी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। ये भी डिपेंड करेगा स्मॉल के पे। सो दैट कि जो हमने ये नंबर लिया था, ये कितना भी नेगेटिव में माइनस में कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, तो इससे भी छोटे हमारे पास क्या होंगे, टर्म्स होंगी, और एक दोनों इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। ए एन इज लेस देन स्मॉल के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो एम ए एम के बाद जितने भी टर्म्स हो सारे सॉरी इसके से छोटी होंगी। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने सीक्वेंस ली जैसे सपोज 1 4 9 16। तो इसमें जो रूल लगाया हमने वो स्केयर किया, देखो 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर। तो ये जो सीक्वेंस है देखिए, वैल्यूज इसकी बढ़ती जा रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी। इसे और देख लेते हैं, सपोज हमने लिया -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन। तो देखिए वैल्यूज हमारे पास न्यूमेरिकली बढ़ती जा रही हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए क्या होती जा रही हैं, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो क्या कहेंगे, इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जिस टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं डाइवर्जेंट, या तो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करें या फिर माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करें। अब डेफिनेशन 2.10 जिसमें पढ़ेंगे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज कर रही होती है ना डाइवर्ज कर रही होती है। तो क्या लिखेंगे, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी ऑसिलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ये दो तरीके हो सकती हैं, एक होती है ऑसिलेटिंग फाइनाइटली और एक होती है ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक सीक्वेंस ले ली है -1 की पावर n। तो ये देखिए सीक्वेंस में क्या आएगा, सबसे पहले 1 रखेंगे तो -1 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास -1 आएगा, फिर +1 आएगा एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा, इसमें +1 और -1 ही आने हैं। तो एक बार -1 फिर +1 -1 +1, तो ये देखो ऑसिलेट तो कर रही है लेकिन फाइनाइटली, यानी आप देखोगे जो इनके मैक्स मिनिमम जो वैल्यूज होंगे डिफरेंस आपके पास 2 ही मिलेगा। तो ये सारी सारी फाइनाइट वैल्यूज़ ही रहेंगी, तो ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है। अगर इनफाइनाइट में देखना हो तो हमने लिया -1 की पावर n और इनटू में ले लिया हमने n, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले टर्म आएगी -1, फिर आएगी +2, फिर आएगी -3, फिर आएगी +4। तो देख रहे हैं आप, ऑसिलेट तो कर रही है, कभी नेगेटिव में फिर कभी पॉजिटिव में, फिर ये इस तरह से एक डायरेक्शन में नहीं चल रही। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए इनका जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ डिफरेंस 3 है, फिर डिफरेंस आपका 5 है, फिर डिफरेंस 7 है, तो डिफरेंस इंक्रीज होता होता प्लस इनफिनिटी तक जा सकता है। तो ये ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है। अब डेफिनेशन है 2.12 नल सीक्वेंस। तो नाम से पता लग रहा है नल यानी कि जीरो हो जाए, या जिस सीक्वेंस की लिमिट जीरो आ जाए। ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी ए नल सीक्वेंस इफ ए एन कन्वर्जिज टू जीरो। एग्जांपल देखिए, हमने सीक्वेंस ले ली 1/n, इसमें टर्म्स हमारे पास 1 1/2 कम होते होते इसकी लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी।
और देख लेते हैं, जैसे 1/n² है, या फिर जैसे 1/n³ है, इस तरह के जितने भी सीक्वेंस बनेंगे हमारे पास, सारे सारे क्या हो रही है, कन्वर्स टू जीरो। तो ये सारे सारे नल सीक्वेंसेस हैं।